हेलो एवरीवन, दिस इज इरास्त्री हियर। आज आम स्टार्ट करने को जाऊँ आमर हिस्ट्री। तो प्रथम रु ही स्टार्ट करवा सिलेबस तो चलो देखा हिस्ट्री रो प्रथमे कौन रही है और आम कौन पढ़ा। तो देखो प्रथम आम अशोक विषय पढ़ा। अशोक विषय आपण मैंने पढ़ी थे कि आउ कि नुआ जाणी आम ये क्लास रु। तो चलो देखा प्रथम आम समस्ते जाचे कि अशोक केबे राजा हेतले से 268 बीसी किंवा 269 बीसी रु 232 बीसी पर्यंत से शासन करचंदी राजा हेचंदी से। तो एटी देखंतु दीटा डेट रही। तो दीटा डेट रु आमको गोटे जहां आसीबो आमे सेया को मार्क करबा को पड़िबो, कारण आमे जानचे हिस्ट्री रो जेहेतु ए एंशिएंट इंडिया तो आमे जानिने कि प्रॉपर डेटटा कोन। किछि जगह रे आमको 268 बीसी देखबा को मिलिथाय आउ किछि जगह रे आमको 269 बीसी देखबा को मिलिथाय। तो आमे जहां देखिबा आमर आंसर ऑप्शन रे आमे जहाँ देखिबा सेया को ही आमे कोन करिबा क्लिक करिबा। तो देखंतु आमे जानले 268 किंवा 269 बीसी रु 232 बीसी पर्यंत अशोक शासन करचंती। तो देखंतु एटी लिखाय छि तो से आसेंट केबे करथिले, आसेंटेड द थ्रोन इन द ईयर 273 बीसी बट हिज एक्चुअल कोरोनेशन डन इन 269 बीसी। से राजा हि जाइतले केबे 273 बीसी रु किंतु तांकर एक्चुअल कोरोनेशन केबे हला 269 बीसी, अर्थात 4 वर्ष पर तांकर एक्चुअल कोरोनेशन हि जिबा जहा को कहंती राज्यभिषेक जो हेथाय। तो राज्यभिषेक तांकर 269 बीसी बेळको हि हेछि, तो 4 वर्ष तांको लागिछि। कारण से कोन करथिले आमे जानिछि समस्ते, से जेहेतु से राजा हबार नथिला, से बड पुओ नथिले, से राजा हबार नथिला किंतु से कुहा जाय कि एमती तांको भाई मानको मारिकि राजा हेतिले। तो आमे जानी से सब कथा से सब किसी मुझे मेनसन करनी आप स्टोरी जाथे। तो देखूँ जदि ये देखते आपड़ी कहे तो दीटा डेट रही एटी भी 273 जगह आउ किसी डेट आसपे हाँ आसपे 272 बीसी आसपे 4 वर्ष हो 268 बीसी करवा बुझिपारे आप देखिकी अपसन को आपणकर आंसर क्लिक करेंगे। देन देखु एम्पायर ऑफ अशोक आमर जो अशोक जो एम्पायर थी जो टोटाली आम कह जो किंगडम थी राज्य थी कौटू कौ जाए व्याप्त थी अफगानिस्तान रु बांग्लादेश पर्यंत। भावंतु आम मैप को इमाजिन करूँ अफगानिस्तान मन थी आप करेंट न्यूज विषय किसी जानते तो अफगानिस्तान तो बहुत न्यूज्रे तो अफगानिस्तान रु बांग्लादेश पर्यंत टोटाली उपरे कौन थी ये सब आम इंडिया गोटे पार्ट थी ना, इंडिया गोटे बहुत सब कंटिनेंट गोटे बड़ सब कंटिनेंट थी तो से टोटाली उपरे पार्ट तांकर अंडर थी माने से बहुत बड़ एम्पायर गोटे क्रिएट करते एक्सेप्ट से ये सब बड़ एम्पायर तो थिला किंतु किछि जगह छड़ा थिला जहाँ क्वेश्चन आसे कौन केरल तमिलनाडु एंड श्रीलंका मन रखिए ए तीन टा को मन रखिए जो साउथ पार्ट आम रहा केरल एंड तमिलनाडु टोटाली उपरे साउथ पार्ट इंडिया एवं ता सहित सॉरी एटी रहा तमिलनाडु देन ता सहित रहा श्रीलंका श्रीलंका अंडर नथिला ए तीन टा जगह को से छाड़ी आउ सब इंडिया सब जगह तांको अंडर थिला। मन रखिए तांकर कैपिटल कौन थिला पाटलिपुत्र थिला आमे जानिछे समस्ते। देन चलंतु आगो को जीवा देन देखु आम देखा चीफ प्रोभीनसेस कौन थी प्रोभीनस मैंने जो टोटाली कह आम जी कहे स्टेट हिसाब से धरतु बड़ बड़ प्रोभीनस जो थी कौन कौन थी मन रखु तक चारिटा मुख्यतः प्रोभीनस और जो कैपिटल सहित आम मध्यपत कहे टोटाली पांच प्रोभीनस आपारे। देन देखु एसबूर क्वेश्चन बहुत आसी था तो भलेसे देखु उत्तरपथ उत्तरपथर एमती आसता है उत्तरपथर कैपिटाल कौन ये जो लिखाई से होती सब कैपिटाल देन एपटे हो तार ना जहाँ आम इंग्लीश्रे बुझापी मझीटा को आपंपी लिखी उत्तरपथ क्या कहुला एमती पढ़ आपर नॉर्दर्न प्रोविंस को कहला अर्थात भावंतु ये इंडिया एमती भावंतु तो नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट रे जोटा प्रोविंस थी गोटे बड़ प्रोविंस थी तार कैपिटल कौन थी ना तक्षशिला थी से कौन कहते उत्तरपथ कहते बुझिपारे उत्तरपथ कहते नॉर्दर्न पार्ट कौन रहा क्या उत्तरपथर कैपिटल कौन रहा तक्षशिला थी। देन देखु अवंती पथ ए ना बहुत इंपोर्टां उत्तरपथ तो आप जानदेवे उत्तर रु उत्तरपथ से नॉर्दर्न प्रोविंस ही तो कितु ये अवंती पथ जो लिखाई है कमी जानवे हूँ वेस्टर्न प्रोविंस वेस्टर्न प्रोविंस कैपिटल कौन थी उज्जैन थी तो वेस्टर्न प्रोविंस अर्थात ये मनकर नॉर्थ ये है वेस्ट वेस्टर्न प्रोविंस कैपिटल कौन है उज्जैन। देन प्राच्यपथ हूँ ईस्टर्न प्रोविंस को कहा जाता प्राच्यपथ देन तार किंगडम कौन सॉरी कैपिटल कौन थी तोसाड़ी कलिंग आम ओडिशार ही तोसाड़ी कलिंग ईस्टर्न प्रोविंस कैपिटल ये है नॉर्थ नॉर्थ कैपिटल कौन है तक्षशिला ये है वेस्ट वेस्ट कैपिटल कौन है उज्जैन ये है ईस्ट ईस्ट कैपिटल कौन है तोसाड़ी मन रखिए तोसाड़ी ही मार्क करेंगे कलिंग जदि लिखिथ जदि तोसाड़ी नथिबो देन आप कलिंग मार्क करते कि एक्चुअल जगटा था तोसाड़ी कलिंग मुझे जापरेंगे बोली से जगार ना लिखी अर्थात कलिंग आम ओडिशा कथा कहु ये गला ईस्टर्न प्रोविंस देन सदर्न प्रोविंस कौन ना हो दक्षिण पथ उत्तर दक्षिण आप जानपरेंगे कितु अवंती पथ एंड प्राच्य पथ टे मन रखा पड़ो बुझेगा तो दक्षिण पथर कैपिटल
कैपिटल कौन था ना सुवर्णगिरी दक्षिणपत्र कैपिटल थी सुवर्णगिरी मन रखिए लास्ट आसा मध्यप्रत जोटा से रोते जो मौर्य आम जब कह पूरा प्रपर डायनेस्टी टोटाल पूरा किंगडम जो स्टार्ट मौर्य मध्यप्रत क्या जाए सेंट्रल प्रोविंस ओके सेंट्रल प्रोविंस तार कैपिटल कौन था जो टोटाली एम्पायर ही कैपिटल थी पाटलिपुत्र मन रहा चीफ प्रोविंस विषय आप जानदेले देन नेक्स्ट जा इंस्क्रिप्शन विषय में किसी जाना अर्थात आम जानते इंस्क्रिप्शन में भी बहुत क्वेश्चन आसे अशोक हूँ कि आंसेंट किंग कथ आप पढ़े अशोक हूँ खारवेल हूँ हर्षवर्धन हूँ कि आम जब कह किए रही समुद्रगुप्त ये चार जन विषय में पढ़वार अच्छी ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତ ଏଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖରଷ୍ଟି ଆରାମିକ ଗ୍ରୀକ୍ ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖରଷ୍ଟି ଆରାମିକ ଗ୍ରୀକ୍ ଆ ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବୁଝିହେଲା ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖରଷ୍ଟି ଆରାମିକ ଗ୍ରୀକ୍ ମନେ ରହିଲା ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କେହି ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଜଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କେହି ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଜଣେ ପଢ଼ିଲେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ 1873 CE ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଞ୍ଚୁରୀ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ବା 1873 ପଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ଡିସାଇପର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ 1873 CE ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଏସବୁ ନୋନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସ୍ପିଡ଼ କହୁଛି କାରଣ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିକି ଚାଲେ ବୁଝିହେଲେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସାଇପର୍ଡ ବାଏ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ତ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ହିଁ ଏହାକୁ ଡିସାଇପର୍ କରିଥିଲେ 1873 କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱେଷ୍ଟଇଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଚାରି ପଚାରିଦେବ ଏମିତି ଡିସାଇପର୍ଡ ବାଏ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ କେଉଁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୋପ୍ରା କାହାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୋପ୍ରାର ଯେଉଁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ହୋପ୍ କରି ହିଁ ତାକୁ ରାଇଟ୍ କରିନି ବୁଝିହେଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ରିଟେନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରହିଛି ସେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଲାଇନ୍ କେମିତି ଲେଖିଛି ଲେଫ୍ଟରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ରାଇଟ୍ରେ ଏଣ୍ଡ କରିଛି ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ରିଟେନ୍ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଫ୍ଟରୁ ରାଇଟ୍କୁ ଲେଖାଏ କିନ୍ତୁ ଖରୋଷ୍ଟି କେମିତି ଲେଖାଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏମିତି ଲେଖିଛି ମୁଁ ତ ଲେଖିପାରିବିନି କାରଣ ଏମିତି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ ବୁଝିହେଲେ ତ ଏମିତି ରାଇଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଲେଫ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିବି ଦେନ୍ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଲା ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖରୋଷ୍ଟି ଆରାମିକ ଗ୍ରୀକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଗ୍ରୀକ୍ ଆରାମିକ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏକ୍ଜାମିନର୍ ଚାହିଁବ ତ ସେ ପଚାରିବ କେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅଲସୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ଆରାମିକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାମିକ ଦୁଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାମିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିହେଲା ତ ବୁଝିହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଇଏ ଚାରିଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ତ ଦୁଇଟା ରହୁଛି କମନ୍ ଦେନ୍ ଅଶୋକ ପିଲାର ଅନ୍ଆର୍ଥେଡ଼୍ ଇନ୍ 1750 AD ବାଇ ଟିଫେନ୍ ତେଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିନଥିବେ ଅଶୋକ ପିଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଜିଥିଲା କିଏ ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଖୋଜିକି ପାଇବା ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟିଫେନ୍ ତେଲର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଟିଫେନ୍ ତେଲର କିଏ ଆମେ ଜାଣିନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଖୋଜିକି ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ପିଲାର ପ୍ରଥମେ ସେଇ ହିଁ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ହିଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥିଲେ ଟିଫେନ୍ ତେଲର କେବେ 1750 AD ଅର୍ଥାତ 1750 ଏବଂ ସିଏ କାହାକୁ ପାଇଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଟ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଲେ କାହାକୁ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ପଢ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୋପ୍ରାକୁ ଅଶୋକ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜା ହେଲା ତାକୁ ପାଇଥିଲେ ଟିଫେନ୍ ତେଲର ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଟ ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମନେ ସେମ୍ କରିଦେବେନି ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଟ ତ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କରିବ ଏକ୍ଜାମିନର ଏମିତି ହିଁ କରିବ ବୁଝିହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଟ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଆଉ ଟିଫେନ୍ ତେଲର ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲେ ମନେ ରହିଲା ଏତିକି ମନେ ରହିଲା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଆମେ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ସେମେ ବି କୁହାଯାଏ ପିଲାର ଏଡିକ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟର ପିଲାର ଏଡିକ୍ଟ ମାଇନର ଏଡିକ୍ଟ ମେଜର ଏଡିକ୍ଟ ଏମିତି ଆମର ତିନି ଭାଗରେ ରହିଛି ନା ତ ଆମେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିବା ତ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ମେଜର ଏଡିକ୍ଟ କଥା କହୁଛି ମେଜର ଏଡିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଫାଷ୍ଟ ମେଜର ଏଡିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ମେଜର ମାଇନର ଯଦି ନ ପକାଇବ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇଦେବ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଓକେ
सेपरेट जदि कर पिलार लिखिदेव ओके माइनर आउ मेजर एमती बहुत कम लिखे कि पिलार इनस्क्रिप्शन टोटाल अलग पिलार इनस्क्रिप्शन टोटाल अलग मन रखिए जो फास्ट एडिक्ट आम रही फास्ट रॉक एडिक्ट जो रही कौन लेखा अच्छे यू इंपोर्टेंट से आपण को कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस आगुरु बलि दि जाए ना लोक सॉरी लोक मूँ नुहे लोक मूँ बहुत जगह दि जाए कि एनिमल मान बहुत सैक्रिफाइस दि जाए तो सहीटा को बंद कर दरकार अशोक यहाँ मेनसन करते कौटी ना फास्ट रॉक एडिक्ट्रे देन धम महामात्रा जो आम रही एंड देन देर कैंपेन किए कौटी सब जाते श्रीलंका किए जाता ग्रीस किए जाता देन आम जो कह सुवर्णदेश किए जाता यह सब जिन आपने पढ़ी तो से सबू विषय कौ रॉक एडिक्ट्रे मेनसन अच्छी फिफ्थ रॉक एडिक्ट्रे मेनसन अच्छी मन रखिए थर्टिन्थ रॉक एडिक्ट कलिंग बारे आम समस्ते जानी तो सब आम पूरा मन रही देन एटा मन रखु आलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन क्वींस एडिक्ट कहुए एमती आसव क्वींस एडिक्ट क्या कहुए मन रखिए आलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन आउ गोटे ये स्टोरी मन रखु ये जो आलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन आप देखुं जहाँ आम क्वींस एडिक्ट कहे आपको कारुबाकी ही लेखाई अर्थात आपको से ही लेखाई बोली कह जाए आउ ए क्वींस एडिक्ट होची सेई एडिक्ट जहाँ अकबर को समय रे जहांगीर नहीं जाते बुझेगा जहांगीर नहीं जाते और जहांगीर को ऑर्डर्स लिखाई था तारी ऊपर ही ए आलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन ही जहांगीर को ऑर्डर्स लिखाई और यही आलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन ही समुद्रगुप्त विषय ही लिखा जाए समुद्रगुप्त जो इनफर्मेसन रही आरी ऊपर ही लिखाई यही क्वींस एडिक्ट बुझेगा से क्वींस एडिक्ट कौटी था अशोक क्वीन ही लिखी थे कारुबाकी लिखी थे तो इनस्क्रिप्शन को किए ने जहांगीर ने ऑर्डर्स लिखिले और समुद्रगुप्त लिखाई बुझेगा समुद्रगुप्त लिखाई था देन देखो सरी प्रथम आसीज किए गुप्त प्रथम समुद्रगुप्त लिखा हे से समुद्रगुप्त देन जहांगीरी लिखिले बुझेगा क्वींस एडिक्ट विषय में आपकी कथ जान लें देन देखो रुमिन दे इनस्क्रिप्शन इकोनोमिक रिफॉर्म लिखाई आउ भाग रिड्यूस्ड 1/6 to 1/8 एटी आउ गोटे आमर जदि कहबा आउ गोटे आमर कौन रही इंपोर्टेंट इनस्क्रिप्शन रही होची किए ना रुमिन दे इनस्क्रिप्शन तो रुमिन दे इनस्क्रिप्शन कौन रहा लुम्बिनी रही आपंथे बुद्धंर जन्म जो लुम्बिनी होता तो से ही लुम्बिनी को जोबाँग अशोक जाते धर्म प्रचार पर धर्मर प्रचार पर कौन करते रुमिन दे इनस्क्रिप्शन को खोदन करते लगे सेठी सेठी कौन मेनसन अच्छी आपंती इनडाइरेक्टली मेनसन करदे थी कि इकोनोमिक रिफर्म विषय में कौ इनस्क्रिप्शन लिखा अच्छी तो मन रखिए रुमिन दे इनस्क्रिप्शन ही लिखा अच्छी इकोनोमिक रिफॉर्म विषय में सेठी आम जाने मुझको पूर्व क्लास जदि कहीं देखी थे मोर पूर्व ओस्ट बेले जो क्लास सब होता तो सेठी मुझको कही किंग को षडभागी कहुला जो महाजन पद पीरियड चलता जो मौर्य डायनेस्टी आसला प्रथम आसला जो हरियंका डायनेस्टी हरिका आसला देन नंद डायनेस्टी आसला देन आम जो आसला कौन मौर्य डायनेस्टी आसला ए सब बेले किंग कौन करते 1/6 नौले कर अर्थात प्रडक्शन 1/6 नौले कर तो से जो कर को जेहेतु छ 1/6 नौकर कौन कहला ना षडभागी छ भाग भागे नौले तो कहला षडभागी तो यही छ भाग भागे को से कौन करदे रेड्यूस करदे 1/8 को रुमेन दे इनस्क्रिप्शन यहाँ लिखा अच्छी आपको आम इकोनोमिक रिफर्म बोली कहे जहाँ को भाग रेड्यूस करते किए अशोक मन रहा इनस्क्रिप्शन विषय में इतनी रॉक एडिक्ट आम जहाँ कहे एबे देखु आडमिनिस्ट्रेशन देखा अशोक आडमिनिस्ट्रेशन केमती चलता अशोक आडमिनिस्ट्रेशन बेले कौन कौन सब पदवी थी कौ कौ ऑफिसर सब थे से सब देखा तो आम तो जाने आम जाने सेन्टर में किए थे आपजे भाविक देखते पूरा सेन्टर में किए थे किंग थे सहित युवराज थे पंडित भी थे सहित जदि कह आम मिनिस्टर्स सब थे सब ये सब रे कौटी आमर सेन्टर सेन्टर अर्थात आम टोटाली कहले केन्द्र में जी रही मौर्य डायनेस्टी ये भी सेमती रही थे एवं देखा आम प्रोविंस स्टेट रे किए रोते डिस्ट्रिक्ट किए रोते आम एवं देखते सेन्टर में मनकर आम रही प्रधानमंत्री जमी स्टेट किए रोते चीफ मिनिस्टर रोचान देन डिस्ट्रिक्ट को कलेक्टर आसीजे देन आम जब कह ब्लॉक को वीडियो आसीगले कि ब्लॉक आम जो ताबर जो आम सब इलेक्शन ऑफिसर जो मैंने रोचान इलेक्टेड ऑफिसर जो मैंने रोचान देन आम आसी जा ग्राम पंचायत को सेमती आंकर कौन थी आम जब कह स्तर स्तर दे आंकर सबुजाक ऑफिसर रोते कंट्रोल करुते सेन्टर कथ आम जानते सेन्टर में किंग रोते एवं देखा प्रोविंस किए रोते आम जब कह स्टेट किए रोते डिस्ट्रिक्ट किए रोते ना सब बहुत इंपोर्टेंट आप मन रखिए देखो प्रोविंस को कौन कहला मैंने आम जब कह स्टेट प्रोविंस
माने स्टेट स्टेट को कौन कहा जाता चक्र बोली कहा जाता एवं तार जी मुख्य रोते कौन कहला ना राष्ट्रपाल बोली कहा जाता देन तापर किए आसना डिस्ट्रिक्ट आसीज डिस्ट्रिक्ट को कौन कहा जाता अहर बा विषय बोली कहा जाता मन रखिए कौन कहा जाता अहर बा विषय बोली कहा जाता तार मुख्य किए थे ना प्रादेशिक बोली कहा जाता देन तापर जो स्टेपटा आसो आम जमी ब्लक कहे ब्लक आम के ग्राम पंचायत को नहीं गठित सेमती से मन कौन ग्रुप अफ 10 विलेज को लेकिन गोटे जदि कह गए अफिस् मैंने अफिशियाल डिपार्टमेंट गोटे क्रिएट होता जहाँ को आम कह संग्रहण कह जाता संग्रहण कह जाता तार मुख्य किए थे तार मुख्य थे गोप मन रखिए गोप आ गोप आकाउंट आकाउंट मध्ये देखुले मन रखिए जदि एमती आसे कि संग्रहण आकाउंट को किए देखुले गोप देखुले गोप तो मुख्य थे आकाउंट देखुले और सब आडमिनिस्ट्रेसन को देखुले बुझीगलापर ये ग्रुप अफ 10 विलेज जैसे आम कि ग्राम को नहीं ग्राम पंचायत सेमती आसीगला कौन ना ग्राम आसीगला ग्राम अर्थात भिलेज आसीगला जो भिलेज आसीगला तार मुख्य किए थे ना ग्रामिक थे बुझीगला तार मुख्य किए थे ग्रामिक थे मन रहा एवं चक्रर मुख्य किए थे ना राष्ट्रपाल अहर बा विश्वर मुख्य किए थे प्रादेशिक संग्रहण मुख्य किए थे गोप ग्राम तापर आसीगला ग्रामर मुख्य किए थे ग्रामिक बुझीगला एवं सिटी को आसवा तो देखो सिटी जो नगर को आपड़ देखुंट सिटी सुपरिटेडेंट किए थे आ ल एंड अर्डर मेन्टेन करते बुझीगला आडमिनिस्ट्रेसन से ही देखुले जहाँ को नगर को बोली कहे आउ दुटा अफिसर मुझे आउ गए अफिसर मैं आलोचना करार अच्छे आमर मन रखु ये मन पड़ी मुझे आपको कहीदे एग्रोनोमोई एंड एस्ट्रोनोमोई एग्रोनोमोई एंड एस्ट्रोनोमोई ये दुटा बहुत इंपोर्टेंट आसे क्वेश्चन आसे तो एग्रोनोमोई एस्ट्रोनोमोई जो क्वेश्चन आसे मन रखिए एग्रो रु एग्रीकल्चर मन रखिथे एग्रो एग्रीकल्चर जदि एमती अप्सन थर जी कह कौन रूराल अफिसर क्या कहुए से होती एग्रोनोमोई देन अर्बान अफिसर क्या कहुए से होती एस्ट्रोनोमोई ये दुटा मन रखिए दुटा मुझे मेनसन करनी ए मन पड़ा मुझे आपको कहीदेली जदि नोट कर नोट करें बुझेगा एवं देखो आउ बहुत गुड़े इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स अच्छा विषय में जानवा कारण तक विषय में बहुत क्वेश्चन आसे एवं देखो सन्नीधाता समाहर्ता ये दुटा बहुत पिला कन्फ्यूज हूँ तो मन रखिए सन्नीधाता कौन ना चीफ ट्रेजर जी ट्रेजर आप जानपरत ट्रेजर कौन ताओं भलसे कहीपरूनी तो चीफ ट्रेजर थे किए सन्नीधाता समाहर्ता कौन करते कलेक्टर जेनेल अफ रेवेन्यू ये कलेक्ट करते ये जेनेल थे कलेक्टर जेनेल थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते कि चीफ ट्रेजर किए थे सन्नीधाता क्लीयर एवं देखो राजुकाश राजुकाश रु बहुत क्वेश्चन आसे और पिला राजुकाश रे बहुत कन्फ्यूज हमें कहीं कारण ये दुटा जिनस देखुले लैटर डे पटवारीज को राजुकाश कहते एवं आम जहाँ कह अमीन जो मैंने आसिक जमी माप करती से राजुकाश से कम करते आउ कौन करते रूराल जस्टिस आडमिनिस्ट्रेसन को देखुले प्राय तो आंसर यहीटा दे थाए अल्सो लुकड रूराल जस्टिस एंड आडमिनिस्ट्रेसन रूराल जस्टिस एंड आडमिनिस्ट्रेसन को से बहुत देखिए यह सब देखादेखी करते क्वेश्चन रनसर राजुकाश्र आंसर यहीटा ही आसी थाए जदि एमती बैचान्स क्वेश्चन आस जाए लैटर डे पटवारीज से आम एवं जहाँ को पटवारी कहे ना पटवारी अमीन कहे तो से कम राजुका करते मन रहा देन एवं देखो लोहाध्यक्ष लोहाध्यक्ष लोहार आप जानपरेंगे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन से माइन सबू थी आयरन बाहर था तो आयरन माइन सबू थी से तो महाजन पदर मौर्य मौर्य जो मौर्यन डायनेस्टी थी से गोटे बड़ कौन शक्तिशाली बाहर था कहीं कारण तक आयरन माइन सबू थी से तो लोहाध्यक्ष आम जापर सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन ये बहुत इजी मन रही आप आक्राध्यक्ष मन रखिए आक्राध्यक्ष क्या कहुए सुपरिटेंडेंट ऑफ माइन्स माइन रुख्य को माइन को जी सुपरिटेंड करते कहला कौन ना आक्राध्यक्ष एवं देखो सीताध्यक्ष सीताध्यक्ष आपड़ी किसी जानते वार्डर मिनिंग जानते सीता मन पकात सीता कौन थी सीतांर ना सीता कौन पर पड़ा कारण से भूमि आसते सीतार जदि आम पूरा प्रपर लिटरेचर मिनिंग देखा आर ना हो मैं सीतार मिनिंग हूँ हलरेखा हलर जो रेखा ताको सीता बोली कहुए से ही जो माता सीता भूमि बाहर थे ना भूमि जहाँ सीता है जापारे तो सीताध्यक्ष मन रखु एग्रिकलचर जानपारे सीताध्यक्ष मैंने हलरेखा किए हे सुपरवाइज एग्रिकलचर अग्रोनोमोई अस्ट्रोनोमोई कही मन रखिए आपको मन रखिए देन सीताध्यक्ष मन रहा आ गोटे कथा कौन अशोक कंडक्टेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन 250 बीसी अंडर मोगलीपुत्र तीसा प्रेसीडेन्सी तो 250 बीसी से कौन करते बुद्धिस्ट काउनसिल करते मन रखु ये जो बुद्धिस्ट काउनसिल 250 बीसी होता
कौनसी भी इंस्क्रिप्शन रे लेखा नाही मन रखिबे कौनसी भी इंस्क्रिप्शन रे लेखा नाही 250 बीसी रे से कोन करथिले बुद्धिस्ट काउंसिल करथिले बोली किंतु आमे जानिले ताले कोठ इंस्क्रिप्शन ही तो आमे जानुचे बहुत कथा असंग बीसी रे इंस्क्रिप्शन नु ही जानि पाउचे त आमे जानले कोठ मन रखंतु बुद्धिस्ट टेस्ट एटा मेंशन अछि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो रहिछि तातिरे ही मेंशन अछि अशोक बुद्धिस्ट काउंसिल करथिले 250 बीसी रे मन रहिला क्लियर आउ जहा सब आपनकु कहिलिनि से सब आपन जानिचंती बोली मु होप करूछि बुझैला एबे देखंतु खार विळंग विषय रे जानिबा दीटा टॉपिक आंजी कारण हमकु जल्दी जल्दी सारिबार अछि एवं आपन त पढिथिय मु जानिछि इम्पोर्टेन्ट पॉइंट को हमरो कवर करिवार अछि तासे त क्वेश्चन मध्य करिवार अछि जदि मु टोटल ऊपर आपन मन पाई पूरा टोटल ऊपर लाइन लाइन लेखि के आनिबी त आपन को सिलेबस सरिवनि हमरो टार्गेट अछि हम सिलेबस कंप्लीट करिवा देन देखंतु देन एबे देखिबा कोन खार विळंग विषय रे पढिया मन रखंतु खार विळंग विषय रे केते मसिया को विषय रे स्टार्ट हैला को आमे जदि कहिबा शताब्दी रे तांकर चालथिला ए सब आपण पढिथिय म जानथि ताकु कहि कि टाइम वेस्ट करिवार नाही इम्पोर्टेन्ट सब कहूँ चेदी डायनेस्टर किंग थिले एक इटा आसे आमर कौन से क्वेश्चन आसे कि कौ डायनेस्टर किंग थिले चेदी डायनेस्टर किंग थिले 15-24 वर्ष पर्यंत से गोटे प्रिंस भली काम करते 15 जो 15 वर्ष होता है पितांर मृत्यु हो जाता से कौन कले 15-24 छोटा थे ना 15-24 वर्ष पर्यंत से गोटे प्रिंस भाव में से कौन करते निज राज्य चलते इन द एज अफ 24 ही आनसेंडेड द थ्रोन 24 रे ही जो 24 वर्ष होगा से प्रपर भाव में राज्यभिषेक है से आसेंट कले थ्रोन को आसेंट कले देन आमको विषय में जानवाक मिले कौटू ना एलिफेंट केव रॉक एडिक्ट ऑफ हाथी और हाथी गुंपा सीढ़ा लोक आम जानते हाथी गुंपा सीढ़ा लोक रु आम जाए कौन तक विषय में आम जाए ए विषय देन ये हाथी गुंपा सीढ़ा लगे सतन लाइन लिखाई ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखाई एंड प्रकृत लांगुएज लिखाई जाणी आप जानते 17 लाइन 13 वर्षर राज्य काल विषय लिखा जा ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखाई प्रकृत लांगुएज लिखाई क्लीअर एवं आगक जा एबे देखंतु तांको विषय रे केवल मु आमे जदि कहबा आपण तो जानिथिबे मु सबु इयर प्रथम रु 13 वर्ष पर्यंत कोन कोन से मेन मेन काम करचोंती आमे सब ताको देखिबा फर्स्ट इयर प्रथम वर्ष से कोन कले तांको राज्यद्र फर्स्ट इयर से कोन कले डेवलपमेंट ऑफ कलिंग नगरी तांको जो कलिंग नगरी थिला तांको कैपिटल कलिंग नगरी आमे ओडिसा रे राजा थिले ना कलिंग नगरी जो थिले तांकर कैपिटल तांकु से कोन कले ना डेवलपमेंट करथिले तांकर कोन कले ना सब पिलर्स करथिले भलो से ताकु मरामती कले जोडा सब भांगी रु जाइथिले ताकु मरामती कले सेकंड ईयर कोन कले अटैक्ड सातवाहन डायनेस्टी साउथ को अटैक कले मन रखे फर्स्ट से साउथ को केबे अटैक कले सेकंड ईयर सातवाहन डायनेस्टी सेतबे चालथिला साउथ रे तो साउथ को अटैक कले सेतबे सातकर्णी सातकर्णी 1 थिले तांकर राजा सातवाहन डायनेस्टी रो तो एमिती मन हुए कि कारण एलिफेंट केव जो रहिछि ना ए तांकर जो अटैक होता से विषय में नीरव अच्छी कि से जीति कि न जीति तो यहाँ एमती हिस्टोरियन मान द्वारा मानते एमती आजम कराए कि अनुमान लगाती कि बोध हुए से कौन करते हारी जाते कारण राजा हारी जाते तो इनक्रिप्सन लिखे नहीं भल भल कथ सब लिखा हाँ तो से लिखाई तो हिस्टोरियन भावती कि सी हारी जाते तो परहैप्स खारवल एक्सेप्टेड डिपिट से हारी जाते कहुए देन थर्ड इयर से कौन कले एंटरटेनमेंट ऑफिस सब्जेक्ट तंगर जो प्रजा थे एंटरटेनमेंट कले सब जमती एंटरटेनमेंट बै किंग कौन करेंगे सब मेला मुझुक करेंगे पर्वपर्वाणी पढ़ा जाए तो ये सब एंटरटेनमेंट बै करते देन फोर्थ इयर कौन है चतुर्थ वर्ष से कौन कले कनकोर्ड भोजकांड ड्रास्टिको हु हेल्प सातकर्णी द किंग ऑफ सातवाहन से कौन कले सातवाहन किंग को जो जो किंग माने हेल्प करते हरैपाई तो से प्रथम कौन कले हर से किए थे किंग ऑफ कहार राष्ट्रिक आंड भोजक क्वेश्चन आसे राष्ट्रिक आ भोजक को से कौ वर्ष हरैले फोर्थ इयर तक रेन्र फोर्थ इयर से हरैले आउ एम कह जाए कि से सातवाहन को मध्य कौन करते आक्वेयर करें कहीं एम हिस्टोरियन मैंने आजम करती यहाँ आजम करती कि सेतु कौन होता सातकर्णी मरी जाते से जय करते बुझेगा राष्ट्रिक भोजक हो इंपोर्टेंट फोर्थ इयर से हरैले देन फिफ्थ इयर में कौन कले रिनोवेटेड ए केनाल एंड एक्सटेंडेड दैट केनाल टू कलिंग नगरी थ्रो द रूट ऑफ तनसुड़िया जो इरिगेशन प्रजा मानक इरिगेशन केनाल खोल से केनाल को कलिंग नगरी को आनी कैपिटाल को आनी थ्रो द रूट ऑफ तनसुड़िया तनसुड़िया बाट देखना आनी बुझेगा फिफ्थ इयर कौन करते मन रहा एबे देखंतु सिक्स इयर कौन करते सिक्स इयर ड्यू टू सम फेमाइन टाइप ऑफ कंडीशन ही फ्रीड द टैक्सेस से जो टैक्स लगी मानने एमती कौन सी जाति अजाति बारण कर नाला मानने समस्त को सामान करके टैक्स लगी बुझेगा तो से कौन ना फेमाइन टाइप कंडीशन आसी जाइला
ଆମର ମରୁଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ସେଭେନ୍ଥ ଇୟର କ'ଣ କଲେ, ବ୍ଲେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସନ୍। ସେଭେନ୍ଥ ଇୟର ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ ହେଲା ବା ପୁତ୍ର ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେ। ଏଇଟ୍ ଇୟର କ'ଣ ହେଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଟାକ୍ଟ ନର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଉଥ୍ କେବେ ଆଟାକ୍ଟ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନର୍ଥ ହେବେ, ନର୍ଥକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଯେଉଁ ନର୍ଥକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆଟାକ୍ଟ ଗୌରଥଗିରି ଅଫ୍ ମଗଧ, କେଉଁଠିକି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ମଗଧର ଗୌରଥଗିରିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଏମ୍ପରର ଡିମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହରାଇଥିଲେ। କନ୍କ୍ୱର୍ଡ ମଥୁରା, ମଥୁରାକୁ ଜିତିଥିଲେ। କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହୋଲି ଟ୍ରି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଥୁରା କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜୈନ ଜିମ୍ର ବହୁତ ଗୋଟେ ହବ୍ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ହୋଲି ଟ୍ରି କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଫେରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ବହୁତ ସାରା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନର୍ଥକୁ ଗଲେ, ବହୁତ ଜିତିଲେ, ନର୍ଥରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ମଗଧକୁ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ, ଡିମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍କୁ କେବେ ହରାଇଥିଲେ ଏଇଟ୍ ଇୟର୍ରେ, ମଥୁରା କେବେ ଏଇଟ୍ ଇୟର୍ରେ, ଦେନ୍ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କେବେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ସେ ଏଇଟ୍ ଇୟର୍ରେ ହିଁ ସେ ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେ, ସେ ସେତେବେଳେ ତଳେ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ନାଇନ୍ଥ ଇୟର୍ ବେଳକୁ ତା ପର ବର୍ଷ ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କାରଣ ଏଇଆକୁ ସେ ହରାଇକିନା ବହୁ ଜିନିଷ କନ୍କ୍ୟୁର୍ କରିଥିଲେ। ତ ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନାଇନ୍ଥ ଇୟର୍ରେ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ ଇୟର୍, ଟେନ୍ଥ ଇୟର୍ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ହି ଆଟାକ୍ଡ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ସମ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ, ନର୍ଥକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ କିଛି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ହାତୀ କୁମ୍ଭା ଲିଟିଲା ଲେକ୍ରେ କି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଜିତିଥିଲେ। ଇଲେଭେନ୍ଥ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ହି ଓନ୍ ଓଭର ପିଥୁଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ନିୟର୍ ମସୁଲିପତ୍ନମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସାଉଥ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଇଲେଭେନ୍ଥ ଇୟର୍ରେ ପିଥୁଣ୍ଡକୁ ଜୟ କଲେ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ପିଥୁଣ୍ଡକୁ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଜୟ କଲେ, ମନେ ରଖିବେ ଇଲେଭେନ୍ଥ ଇୟର୍ରେ କାହାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ପିଥୁଣ୍ଡ। ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ମସୁଲିପତ୍ନମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରୁଲର ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁଲର ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ଏଇଠି ହିଁ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ବା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା, ଟୁଏଲ୍ଥ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ମଗଧ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ସରେଣ୍ଡର୍ ବିଫୋର୍ କାରବେଳ ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଙ୍ଗା ଟୁ ଗୋଦାବରୀ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ନର୍ଥକୁ ପୁଣି ଗଲେ ଏବଂ ମଗଧର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ୍ ଥିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର୍ କଲେ। କାହା ପାଖରେ, ଖାରବେଳଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର୍ କଲେ। ଏବଂ ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଙ୍ଗା ଟୁ ଗୋଦାବରୀ। ଏବେ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଡାଇନେଷ୍ଟି ବ୍ୟାପିଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗୋଟେ ହୋଇଗଲା ବା ଏମ୍ପାୟାର ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏମ୍ପାୟାର ଯଦି କହିବେନି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ସେଇ ଟୁଏଲ୍ଥ ଇୟର୍ ହିଁ ଚାଲିଛି, ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ଜିନାସନ୍ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟୋଲନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଇ ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ। ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗରୁ ଜିନାସନ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କିଏ, ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରାଇକିନା ଆଣିଲେ। ମଗଧରେ ଥିଲା ନା, ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଚାଲିଥିଲା, ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି କେଉଁଠି ଚାଲିଥିଲା, ମଗଧରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ତ ହରେଇ ମୋର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ବୁଝିଲା, ତ ଜିନାସନ୍ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜିନାସନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଲେ ନା ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତାକୁ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, କିଏ ଆଣିଲେ, ଖାରବେଳ ଫେରାଇକି ଆଣିଲେ ଟୁଏଲ୍ଥ ଇୟର୍ରେ। ବୁଝିଲା, ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସେଇ ଟୁଏଲ୍ଥ ଇୟର୍ ଚାଲିଛି, ଅଲ୍ସୋ ଆଟାକ୍ଡ ସାଉଥ୍କୁ, ସେଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ସାଉଥ୍କୁ ବି ଆଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଇୟର୍। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କେଉଁ ଇୟର୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଇୟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟୁଏଲ୍ଥ ଇୟର୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଇୟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ଏବେ ଥାର୍ଟିନ୍ଥ ଇୟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ହି ଲିଭ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ ଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ। ଏଇଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଜେନ୍ର ସନ୍ଥ, ଯେଉଁ ଜୈନ ଜିମ୍ର ବା ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ଭଳି ଯେମିତି ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ସେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ହି ଲେଫ୍ଟ ହିଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ବା ସେ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଜେନ୍ ରିଲିଜନ୍। ଜେନ୍ ରିଲିଜନ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ରହିବା ଦରକାର, ସେମିତି ହିଁ ସେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କନ୍କ୍ଲୁଡେଡ୍ ବାଇ ସେଇଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଖାରବେଳ ରିଭିଲ୍ସ ଦ କନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ ଋଷି ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଋଷି। ଏଇଆ କହିକିନା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ଖାରବେଳ ଥିଲେ ରାଜ ଋଷି ଆଉ ଧର୍ମ ଋଷିର କ'ଣ ଗୋଟେ କନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ବୁଝିହେଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଥାର୍ଟିନ୍ ଇୟର୍ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଏବେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି କ'ଣ ନେବା, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସବୁ ମାନେ ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋରି ତ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ରିକଲ୍ କଲେ ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଭାବୁଛି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ସରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯିବନି, ଇନ୍ ଅଶୋକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରାଜୁକାଶ ଲୁକ୍ ଡାପ୍ଟର। ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ରାଜୁକାଶ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କହିବେ ଟିକ୍ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ଟିକ୍ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଇଏ ମୋ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେ ପେନ୍ରେ ହିଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରି।
नेक्स्ट देखिबी कोटी जदि मते कारण ए क्वेश्चन को टाइप करिया पई ठीक कष्ट होबो ताकू तो टाइप कर देबी हां ठीक अछि किंतु ए जो ABCD देखिना जो ऑप्शन देबा को पड़छि से ठीक कष्ट होबो सेति पई मते एमदी स्कैन करि आनियो को पड़ला बाबू छी आपन कारण आपन तो बहुत क्वेश्चन देखुतिबे मध्ये ताकू प्रैक्टिस मध्ये करते मेन आईडिया नबर कथा तो एटा तो मु टिके पूर्वर ही आलोचना करली तो एमिति नहि कि आपन माने आंसर देथांथे आ देखि देले मने पड़िबनी तो आपन को आउथरे रिकॉल करिया कथा बाबू छी आपन बुझि पाले तो देखंतु इन अशोक्स आडमिनिस्ट्रेसन राजुका लुक्ड आफ्टर राजुका कौन देखुले मैं आपको कहली ऑप्शन में कौन थी आडमिनिस्ट्रेसन एंड जस्टिस देखुले ल अर्डर एंड आडमिनिस्ट्रेसन देखुले बुझेगा रिलीजियस मैटर्स देखुन कलेक्शन अफ टैक्स तो सी करुन म्यूनिसिपल आडमिनिस्ट्रेसन से कौन नौले से कौन करते आडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस बुझेगा देन नेक्स्ट देखु नेक्स्ट पचार ह्विच अफ द फलोईंग रिजियन्स डिड नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ अशोक एम्पायर अच्छा देखो आपने एटी ऑप्शन देखो नहीं कहतु मुझे पूर्व तो आलोचना कली तो ऑप्शन देखो ऑप्शन किसी दरकार नहीं केवल क्वेश्चन टाइम दरकार से पचार ह्विच अफ द फलोईंग रिजियन्स डिड नॉट कम फ्रॉम द पार्ट ऑफ अशोक एम्पायर अंतर्गत कौ कौ पार्ट सब आसन आपको टी पूर्व ही आलोचना करी कौन आसन प्रथम मन रखिए केरल आसन तामिलनाडु आसन श्रीलंका आसन ये ऑप्शन एवं देखो काश्मीर काश्मीर कथा तो आम जानते काश्मीर आसाला तक्षशिला तो कैपिटल थिला नॉर्दर्न प्रोविंस देन कनौज तो कैपिटल थिला कहार कनौज कैपिटल नाला कनौज कैपिटल थिला परे आम आसी जो हर्षवर्धन आसीजे परवर्त जो आसीजे से सब कनौज हो कनौज हो मुख्य कैपिटल हो कनौज नाला कनौज थिला जेहेतु कनौज किंतु कैपिटल नाला उज्जैन थिला वेस्टर्न प्रोविंस एवं देखु ये मद्रास मद्रास आपने जापर मद्रास कौटी थी कारण आम जानचे बेंगल मद्रास एंड बॉम्बे ये तीन टा आम कौन थी मेन जदि आम कह प्रोविंस जो ब्रिटिश राज चलता तो मद्रास आम क्या कौचे चेन्नई की मद्रास कौचे जोटा तामिलनाडु अच्छे बुझेगा तामिलनाडु अच्छी मन रखिए तो मद्रास आज देखो ये आपको ट्रिक रे बुलेला कारण तामिलनाडु डायरेक्ट न दे कि चेन्नई भी देलानी दे मद्रास जोटा पूर्व ना था मन रहा एवं देखो नेक्स्ट ह्विच माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग बाय अशोक एथरे आउ कहिबार अछि हम त जानचे 13 नंबर जोटा हमरा रॉक एडिक्ट अछि सेटा ही कलिंग वार विषय रे आलोचना करथे देन देखंतु नेक्स्ट पर चाहू छी आफ्टर कलिंग वार अशोक फॉरवर्ड अच्छा एटु इन्फॉर्मेशन आपनकु दबार थिला भूली गली एवं मन पड़ा मुझको कहूँ ठीक अच्छा ये जो राजुका विषय आपको जो राजुका विषय मन रखिए जो राजुका आप देखुं अच्छा राजुका विषय कहार हाँ आम तो देखिले ये दुटा कम करती कौन कौन कम करती दुटा कम करती आडमिनिस्ट्रेसन करती जस्टिस करती आउ कौन करती अमिनर काम करती ये राजुका बहुत इम्पोर्टाट राजुका बहुत इम्पोर्टाट कौन पर इम्पोर्टाट कारण राजुका विषय में आमर आलोचना अच्छी कौटी आलोचना अच्छी आमर एडिक्ट पिलार एडिक्ट मेनसन अच्छी कौ पिलार एडिक्ट मुझको जो एडिक्ट सब पढ़ेली तातिर पिलार एडिक्ट कथा तो कहनी आम रॉक एडिक्ट कथ पढ़ुले तो ये मन रखिए मुझ फोर्थ पिल आम फोर्थ रॉक एडिक्ट कथ कहला कहली कितु ये फोर्थ पिलार एडिक्ट कथ मन रखु फोर्थ पिलार एडिक्ट जो थी से राजुकाश विषय आलोचना कराई है मन रखिए तो एमती जब क्वेश्चन पड़े कारण ट्रिकी क्वेश्चन पकोचे ना तो ये आम आसीज आडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो पूरा प्रॉपर डायरेक्ट आंसर कि आपको मन रखा पड़ा राजुका विषय में कौ एडिक्ट वर्णना कराई मन रखिए कौ एडिक्ट फोर्थ पिलार एडिक्ट मन रहा कौटी ना फोर्थ पिलार एडिक्ट देन देख आम जान लें फोर्थ पिलार एडिक्ट वर्णना कर ह्विच माइनर एडिक्ट गला आम 13 नंबर जान लें कि 13 रॉक एडिक्ट वर्णना अच्छी कौन आमर कलिंग वार विषय वर्णना अच्छी एवं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आफ्टर कलिंग वार अशोक फॉरवर्ड ह्विच अफ द फॉलोइंग जो कलिंग वार सरीगला आम जानचे ना धर अशोक कौन थे भल थे सी कौन थे ना चंडाशोक कहला से चंडाशोक थे चंडाशोक चंडाशोक कहला परम मुहूर्त जो कलिंग वार है से धर्माशोक को रूपातरित होगले तो से धर्माशोक को रूपातरित होते से कौन छाड़े से पचार आफ्टर कलिंग वार अशोक फॉरवर्ड क्या मना कले ह्विच अफ द फॉलोइंग तो मन रखिए आम जानचे से सी कौट की रूपातरित हेल्ले कौट की ना धम्मघोष को ये जो लिखाई धम्मघोष को रूपातरित हेल्ले तो धम्मघोष को रूपातरित किंतु से मना कले क्या भेरीघोष को अच्छा कह पचारे कि भेरीघोष कौन धर्मघोष कौन भेरीघोष अर्थात वार क्राए
ଭେରିଗୋସ ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ୱାର୍କାଏ, ଆଉ ଧମଘୋଷ ଅର୍ଥାତ କ'ଣ, ଧମଘୋଷ ହେଉଛି କଲଚରାଲ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବା ବୁଝାମଣା ହିସାବରେ ବା ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରାଇବା, ସେ ହେଉଛି ଧମଘୋଷ। ଭେରିଗୋସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରକ୍ତପାତ କରିବା, ୱାର୍କାଏ ଯାହାକୁ କହୁଛି, ଆର ଲିଟେରାଲ ମିନିଂ ହେଉଛି ଭେରିଗୋସର ହେଉଛି ୱାର୍କାଏ, ମନେ ରହିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଆଚ୍ଛା ଭେରିଗୋସ ଆଉ ଧମଘୋଷ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଫୋର୍ଥ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଗଲା, ଫୋର୍ଥ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ। ସେଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ରାଜୁକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଫୋର୍ଥ ପିଲାର ଏଡିକ୍ଟ, ଏଠି ଫୋର୍ଥ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ଆଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର, ଅଶୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲେ, ହିଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର, ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ପ୍ରେଚିଂ ଅହିଂସା, ସେ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରେଚ୍ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଅହିଂସା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧମଘୋଷକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧମ ମହାମାତ୍ରାସକୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅହିଂସାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅହିଂସାକୁ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଫର୍ ଦ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି କ'ଣ, ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଫେମସ୍ ଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନାଲ ଇୟର ଖାରବେଳ, ଆଚ୍ଛା ଖାରବେଳଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନାଲ ଇୟର ଖାରବେଳ ଆଚିଭ୍ଡ ଫାଦରହୁଡ଼, ତ ଫାଦର କେବେ ହେଲେ, ସେ ଖାରବେଳ ଫାଦର କେବେ ହେଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫାଦର କେବେ ହେଲେ, ସେଭେନ୍ଥ ଇୟରରେ ହେଇଥିଲେ, ତ ଏସବୁ ତ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ସେଭେନ୍ଥ ଇୟରରେ ହିଁ ହେଇଥିଲେ ଫାଦର। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନାଲ ଇୟର ଖାରବେଳ କନକୋର୍ଡ ଦ ଟେରିଟୋରିଜ ଅଫ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକାଣ୍ଡ ଭୋଜକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକାଣ୍ଡ ଭୋଜକକୁ ସେ କେଉଁ ଇୟରରେ ହରାଇଥିଲେ, ଫୋର୍ଥ ଇୟରରେ, କାରଣ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ତ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ କଲେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ସେ ହାରିଗଲେ, ଥାର୍ଡ ଇୟର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲେ, ଫୋର୍ଥ ଇୟରକୁ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଜକକୁ ହରାଇଲେ ଏବଂ ସାତକରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ, ସାତକରଣ ତ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅନ୍ ଖାରବେଳ ସିକ୍ସଥ ରିଜନାଲ ଇୟର, ସିକ୍ସଥ ଇୟରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସିକ୍ସଥ ଇୟରରେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଫେମାଇନ୍ ଟାଇପ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖାରବେଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାରବେଳ ଫଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ସାତବାହନ ରୁଲର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ, ସାତକରଣୀ ୱାନ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ। ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନାଲ ଇୟର ଖାରବେଳ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଏ କେନାଲ ଟୁ ଦିସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, କେନାଲ କେବେ ସେ ବନେଇଥିଲେ, ଫିଫ୍ଥ ଇୟର, ତ ଫୋର୍ଥ ଇୟରରେ ସେ ସାତକରଣୀକୁ ସାତବାହନକୁ କ'ଣ କଲେ, କନକ୍ୟୁର କଲେ, ଭୋଜକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହରାଇଲେ, ଫିଫ୍ଥ ଇୟରରେ ସେ କେନାଲ ଖୋଳେଇଲେ, ସିକ୍ସଥ ଇୟରକୁ କ'ଣ କଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଲେ, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହାଉ ମେନି ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ ବି କରିଥିଲି, ସତର ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର କାରବେଳ ବୁଇଲ୍ଡ କେଭ୍ସ ଆଟ୍ ଉଦୟଗିରି ଫର୍ ଦ ଜୈନ ମଙ୍କ୍ସ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଣ୍ଡ ହର୍ମେୟା କେଭ୍ସ କିଏ ବନେଇଥିଲେ, ଖାରବେଳ ବନେଇଥିଲେ, ଉଦୟଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଣ୍ଡ ହର୍ମେୟା କେଭ୍ସ ଖାରବେଳ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଟିନ୍ ଇୟରରେ ହିଁ ବନେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ଥାର୍ଟିନ୍ ଇୟର, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ମାନେ ଜେନ୍ ମଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ସାଧୁ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ସେ ଉଦୟଗିରି କରିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ହର୍ମେୟା କେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଥାର୍ଟିନ୍ ଇୟର ଥିଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେ ପାଖାପାଖି 117 କେଭ୍ ବନେଇଥିଲେ, କେତେ କେଭ୍, 117 କେଭ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ତ କ୍ଲାସ୍ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।